ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं ये मीरा भाईंदर में खड़ा हूँ, ना कि लोनावाला या किसी हिल स्टेशन। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि चारों ओर पानी पानी दिख रहा है। ये पानी हुई है भरती के कारण, जो कि हर अमावस्या को होता है, लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। सर पहले तो आप अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम है अनिल पांडुरंग रानावड़े। रानावड़े जी, जो पानी भरती हुई है इसके बारे में हमें थोड़ा कब होता है और कैसे हुआ, क्या कारण है? यहाँ पे हर साल में लास्ट 25 साल से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हर साल से बारिश में यहाँ पे भर्ती आती है, भर्ती में यहाँ पे पानी भर जाती है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे सब चारों जगह नलों के ऊपर चले गए, लेकिन ऐसा 25 साल से कुछ अभी तक इसके ऊपर कुछ पाबंदी नहीं किया है, कुछ उपाय भी नहीं किया है। इतना पानी भर जाता है कि यहाँ पे कोई देखने के लिए भी नहीं आती है। इसलिए आप देखते जाएंगे अंदर चार सिस्टम है, चार में बहुत सा पानी घर के घरों के अंदर गया हुआ, बहुत लोग को बहुत परेशानी है। लेकिन इतना सा जब जोड़ा दे जाएगा हमको कुछ हुआ नहीं है। आपने यहाँ पे स्थानीय सदस्य हो गए तो उनको सब एक चीज़ पता है, उनको सब देखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्या किसी ने जायजा लिया जो हालात है, किसी ने जायजा लिया? अभी तो कुछ किया नहीं, लेकिन अभी नगर से पूरे दुबई घूमने गए हुए, उनको पता है कि नहीं पता नहीं है, अरे भी वो भी पता नहीं है। देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि लोग घर में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ थे और जो पिछले इलेक्शन में ये उम्मीदवार थे, इनका कहना है कि नगर सेवक सो रहे हैं और दुबई की ट्रिप पर घूम रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की आम जनता है उनके साथ क्या बीत रहे हैं, इसका सुख दुख सुख देने वाला कोई नहीं है। आज इस वक्त मैं नौगर रोड के इंदिरा नगर इलाके में, जहां आप देख सकते हो कि घुटने तक पानी भर चुका है। ये पानी भरा है भर्ती के कारण, आज सुबह से ही बरसात लगातार बरसात के कारण ये पानी यहां इतना जमा है। आइए आप स्थानीय जो रहीवासी हैं, दुकान वाले हैं, इनसे जानते हैं ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। सर बताएंगे ये जो पानी भरा है ये कब हुआ और ये हर बार ऐसे होता है? तो आपको स्थानीय जो नगर सेवक है, ये प्रशासन है, महानगर पालिका है, आपको कोई मदद नहीं मिलती उनकी तरफ से? नहीं ये जब आता है इसमें कितना नुकसान होता है? 10,000 का नुकसान होता है। तो ये हर 3 महीने में होता है, हर 6 महीने में होता है, एक बार आता है? ये सिर्फ रात के दिन में होता है या रात में होता है? आप लोग को इससे और क्या क्या तकलीफें होती है, जो पानी भरता है इससे और क्या क्या तकलीफें होती है? हर बार ये नुकसान आप लोगों ने पानी नगर से संपर्क करने की कोशिश? आप देख सकते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ये हर बार होता है। हर ये कहना है कि जब जब अमावस्या पे ये भर्ती होती है, इस तरीके का ही यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है वो सो रही है। तो आप अपना नाम बताएंगे? आकाश जी, ये जो हाई टाइड की वजह से आपकी दुकान में पानी भर गया है, इसके बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या नुकसान हुआ और कब कब ये ऐसी की परिस्थिति होती है? 2 दिन से हो रहा है चावल, आप देख सकते हैं गेहूँ ये सब नुकसान हो रहा है। ये कितने का नुकसान है अंदाजा आप बता सकते हैं? ये कितने का अंदाजा? वो तो करीबन लाखों के आसपास का है। लाखों का नुकसान हुआ है आपको? तो आपने स्थानीय जो प्रशासन है, नगर सेवक है, उनसे किसी से आपने मदद मांगी है? अभी तो हम इसी में बिजी हैं। ये जो भर्ती होती है ये साल में एक बार होता है या? साल में एक बार ही होता है, तो 2 दिन के लिए आ जाते हैं। तो बहुत पहली पहली बार हो रहा है ऐसा या पहली बार? 7-8 साल से ऐसे ही हमेशा पानी आते रहता है। जो स्थानीय जो नगर सेवक है, पुलिस प्रशासन है, महानगर पालिका है, इनकी तरफ से आपको कोई हेल्प मिली है? हेल्प मेरे नहीं है अभी तक, बार बार आते हैं देखते जाते हैं, निकल जाते। अब तक कोई मदद नहीं मिली आपको? पहले आते देख के चले जाते, पानी का समस्या तो नहीं है। पानी की समस्या भी आप लोगों को और बिजली की? बिजली तो